नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। करीब 5 दिन पूर्व पशु व्यापारी की हत्या के मामले में स्वाट और कंदरापुर थाने की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में एक सातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट की नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि पशु व्यापारी की हत्या केवल लूट के इरादे से हुई थी। बीते 13 नवंबर को चंडई गांव में स्थित तमसा नदी के किनारे कंदापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव के रहने वाले पशु व्यापारी जितेंद्र यादव का शव मिला था। इस संबंध में परिजनों ने 3 नामजद रितेश यादव, अब्दुल कादिर, माशूक अली व रितेश के साथ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि नामजद मनदीप और श्रवण यादव परिचित थे और इनको मृतक पशु व्यापारी के आने जाने व रुपए के लेन देन के विषय में पूरी जानकारी थी। घटना वाले दिन मनदीप और श्रवण यादव ने चढ़ई पुलिया पर शाम को जितेंद्र यादव को वापस जाते समय रोककर पुल के नीचे बगीचे में बैठा कर बातों में उलझाए रखा और उसके पीछे गमछे से गला कसकर हत्या करने के बाद उसी के बेल्ट से हाथ पर बांधकर तमसा नदी में फेंक दिया तथा मृतक के पास रखे 43,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बीती रात श्रवण यादव और उसकी मां बिमला देवी निवासी गढ़ चंडई गांव रानी की सराय को 17,800 रुपए बरामद किया। वहीं शुक्रवार को स्वाट टीम को सूचना मिली कि पशु व्यापारी की हत्या करने वाला एक आरोपी भुर्रा मकबूलपुर के सहदा की तरफ से आ रहा है। सूचना के बाद स्वाट और कंदापुर थाने की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन पर एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। वह बाइक को मोड़कर भागने लगा लेकिन बाइक फिसल गई, जिसके बाद उसने तमंचे से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम की आत्मरक्षा फायरिंग की तो बदमाश घायल हो गया। घायल की पहचान मनदीप यादव उर्फ लाला यादव निवासी चंडई थाना रानी की सराय के रूप में हुई। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से लूट की बाइक, 9,000 रुपए, तमंचा व कारतूस बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल रुसिया ने बताया कि पशु व्यापारी से सभी आरोपी परिचित होने के साथ उसके आने जाने व रुपए के बारे में भी इसकी जानकारी थी। उन्होंने लूट के इरादे से पशु व्यापारी को गला घोटकर हत्या किया था। दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरवीन किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौराने विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में सिरवण यादव और उसकी माँ बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपए बरामद हुए। दिनांक 18-11-22 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभी एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर मैं हमरा के वहां पर पहुंचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहां पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घेरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। दो राउंड पुलिस द्वारा भी अपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरू को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरू के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपए बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपए जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपए की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर, ये किस तरीके का मामला था, क्या मोटिव था, क्यों, कैसे, क्या हुआ, साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब क्योंकि इनको पूरा इसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और उसको उसके आने जाने का रूट मालूम था तो इनका पर्पज मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि मोट की ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए लेकर साथ में जाता है, तो मेन पर्पज इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है, जो आरोपी है ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से, आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, पहले से परिचित, पहले से संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।